कविता में स्वागत है। मैं एक न्यूज क्लिपिंग आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जब से मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि ना हम बहने और जो हमारे पुरुष साथी हैं पूरी तरह सहज हुए हों। उसी बीच जिस महिला को परेड कराया गया था उनके सैनिक पति का एक बयान आया है जो हम लोगों को हिला करके रख देता है। कारगिल के फ्रंट पे जिसने देश को बचाने का काम किया आज खाली मन से इस बात को कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा। वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पूरे देश में कैसी स्थिति है और कैसा महसूस हम सब कर रहे हैं वो तो सामने है, लेकिन एक सैनिक कितना असहाय महसूस कर रहा है अपनी पत्नी को लेकर के वो आप लोगों के बीच। करीब 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है, लेकिन वहाँ 3 दिन अमित शाह जी होकर के आए। वहाँ पर दबाव जब पड़ा तो मीडिया और सोशल मीडिया खास करके जो प्रतिबंधित है वो कुछ वहाँ जाने की शुरुआत किए और सिर्फ एक वीडियो आया है जिससे पूरा देश हिल गया है। हम कोई भी भारतीय इस बात को लेकर के सहज नहीं हो पा रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बात को माना है कि हजारों ऐसी घटनाएं मणिपुर में हुई और इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन दोनों महिलाओं को भी पुलिस की गाड़ी से नीचे उतार करके भीड़ लेकर के चली गई, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन 80 दिनों में कितने राज्यों में जाकर के प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार किया, कितने विदेश दौरे किए, यह सब भी हम लोगों के सामने। जब पूरा देश प्रधानमंत्री की तरफ, गृह मंत्री की तरफ और महिला बाल विकास मंत्री की तरफ देख रहे थे कि ये वीडियो आने के बाद वो कम से कम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे महिलाओं को कुछ सहानुभूति मिलेगी, उनको लगेगा कि इस देश में उनकी चिंता करने वाला भी कोई है। लेकिन जो बयान आया, यह बयान आया सदन की सीढ़ियों से बाहर आया और वह भी बयान इसलिए आया क्योंकि स्वतः संज्ञान लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी बातों को रखा कि अगर सरकारें काम नहीं करेंगी, अपना राजधर्म नहीं दिखाएंगी तो वह बाध्य होंगे उस पर कार्रवाई करने के लिए। 10 बजे चंद्रचूड़ जी का बयान आता है तो 11 बजे फॉर्मेलिटी के लिए देश के प्रधानमंत्री सदन के बाहर 25 सेकंड का अपना बयान मणिपुर के बारे में देते हैं और बताते हैं कि वो क्रोधित और दुखी है। यह क्रोध और दुख पिछले 80 दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों के एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर के लिए क्यों नहीं आया, इसका जवाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार और हमारे सभी वरीय नेताओं ने सदन में इस पर चर्चा करने की बात कही, लेकिन सदन के अंदर चर्चा करने की बात पहले भी अडानी के मामले पे हो, महंगाई के मामले पे हो, बेरोजगारी के मामले पे हो, इन बातों पर जो इस देश के मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना करना इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मुद्दे आज के देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने इस चर्चा को महत्वपूर्ण नहीं समझा। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने खुद इस बात का निवेदन किया प्रधानमंत्री से कि हम लोग इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा और बहस से क्यों भगोड़ों की तरह ये लगातार भागते रहे हैं ये हम आज देश के सामने लाएं जानना चाहते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।